फ्रेंड ज्योति की चटपटी रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ छोले भटूरे। छोले भटूरे की मैंने तैयारी कर चुकी हूँ, आटा गूंद चुका है। आटा गूंदने का तरीका मैं आपको मुँह से बता देती हूँ। पहले मैंने 1.5 किलो आटा लिया। 1.5 किलो आटा, 1 कप दही, 1 कप दही, 2 चम्मच सूजी, थोड़ा सा रिफाइंड मिला के आटा गूंद के एक पन्नी या टिफिन में बंद करके अच्छे से रख दें, ताकि उसमें जो या तो सब्जी वाली पन्नी होती है उसमें आप अच्छे से कस के बांध के रख दें कुछ घंटों के लिए, और नहीं तो एक अच्छे टिफिन के अंदर रखें जिसमें बिल्कुल हवा ना लगे। और अब ये मेरी छोलों की तैयारी हो गई है। ये देखिए छोले मेरे हो गए हैं। अब मेरे छोले तो अपने रेडी कर लिए हैं, मेरे छोले बिल्कुल उबल चुके हैं। ये देखिए अब मैं छोलों का, ये भटूरों के छोले बनने के लिए पूरी तैयारी हो चुकी है। और अब ये मेरी कढ़ाई भी चढ़ चुकी है, मैंने ऑलरेडी तेल डाल दिया इसमें 2 चम्मच। और ये मेरी ओनियन, चिली, टमाटो और ये धनिया मैंने काट के रख रखा है, इन 4-5 मैं छोलों के अंदर डालूंगी मिर्चियाँ, ये उसके लिए है। और ये मेरा धनिए वाली चटनी का भी तैयारी कर रखी है, धनिए की चटनी बनाऊंगी। ये मेरा इंग्रेडिएंट्स सारा छोले के लिए है, और ये सारे आपके मसाले हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। फर्स्ट हम क्या डालेंगे, पहले हम ओनियन डालेंगे। ओनियन हल्की गोल्डन ब्राउन होने तक हम इनको भूनेंगे। तेज आंच पे ही बनाएंगे। हमारी प्याज का थोड़ा हल्का कलर पकने लगा है, तो मैंने इसमें 4 से 5 हरी मिर्चियाँ डाल दी हैं। तेल मैंने सिम आंच पे पहले से ही रख रखा था। तेल मेरा काफ़ी गर्म है, इसलिए मेरी प्याज जल्दी ही ब्राउन हो गई हैं। बस 2 से 3 मिनट और मैं इनको पकाऊंगी। इसके बाद इसमें टमाटो डालूंगी और सारे मसाले डालूंगी। अदरक लहसुन का पेस्ट ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालें, जो लोग नहीं खाते वो ना डालें। ये मैंने टमाटो डाल दिए हैं। 1 से 2 मिनट में इनको भी थोड़ा सा हाफ ब्राउन सा करूँगी। बिल्कुल आसान रेसिपी है छोले बनाने की, भटूरे वाले छोले, अब बहुत टेस्टी बनेंगे ये। ये टमाटो मैं डाल चुकी हूँ। टमाटो डालने के बाद ये देखिए टमाटो भी हल्के कच्चे पक गए हैं। अब मैं इसके अंदर नॉर्मल मसाले ही डालूँगी सारे। मिर्ची आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हो, ज़्यादा तीखा खाते हो तो थोड़े तीखे कर सकते हो, नहीं तो एक्चुअली थोड़ा कम तीखे में ही बनाए तो ही बहुत अच्छे बनते हैं ये, क्योंकि बच्चे भी जिस घर में खाने वाले हों तो बच्चों के हिसाब से ही रखे जाते हैं ये मैंने सारे खड़े मसाले पीस के पेस्ट घर में ही बना रखा है। ये मैं डाल रही हूँ। ये मैंने 1/2 टीस्पून डाली है, 2 टीस्पून मैंने मिर्ची डाली है और 1 टीस्पून हल्दी डाली है। इसको मैं अब अच्छे से सारे मसाले को मिला लूँगी। नमक मैं लास्ट में डालूँगी छोले डालने के बाद। ये देखिए फ्रेंड्स, 4 से 5 मिनट में ही मेरा मसाला काफ़ी अच्छा भून चुका है, मसाले ने तेल छोड़ दिया है। और अब ये मैं ट्रांसफ़र करूँगी अपने बॉइल छोलों के अंदर सारा मसाला। ये मैं सारा मसाला इसमें डालूंगी और अच्छे से मिला के 2 से 5 मिनट हल्की आंच पे इसको भूनूंगी और मेरे छोले तैयार, भटूरे के साथ छोले तैयार। ये अब मैंने लास्ट में नमक डाला है, आप लोग भी अपने स्वाद के अनुसार नमक डाल सकते हो। कोई पहले डालता है, आप अगर पूरी सब्जी बनाकर लास्ट में डाल के आप 5 मिनट ही इसको मंदी आंच पे रख देंगे, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। ये मैं सिम आंच पे अब इसको रख रही हूँ। ये देखिए गाइस, मेरे छोले बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, जैसे बिल्कुल आप रेस्टोरेंट में बाज़ार में खाते हो, बहुत अच्छा टेस्ट है। प्लीज़ आप एक बार ये वीडियो देखकर इस तरीके से छोले बनाइए और भटूरे बनाइए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। और ये मेरी तैयारी हो गई है शुरू। इसमें मैं डाल रही हूँ रिफाइंड अपने भटूरों की तैयारी करने के लिए।
ये मेरे भटूरों का तेल मैंने रख दिया है गर्म होने के लिए कम आँच पे। ये मैंने इसको सिम कर दिया है। आटा मैंने ऑलरेडी पहले से गूंद के रखा था। आटा मेरा बहुत अच्छा गूंद चुका है। अब मैं भटूरे बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तेल काफ़ी गर्म हो चुका है, ये देखिए गाइस। मैंने छोटा सा एक भटूरे के लिए टुकड़ा डाला था मैदे का और ये काफ़ी हो गया है, ये देखिए। ये मैंने भटूरे की लोई तैयार कर ली है। अब मैं इसको बेलने जा रही हूँ, ये देखिए। हल्का सा बेलना है, बाकी आप पूरा भटूरा हाथ से बढ़ा सकते हो। एक्चुअली मुझे थोड़ी वीडियो बनाने में दिक्कत हो रही है क्योंकि मैं अकेली हूँ, मुझे बनाने में बहुत परेशानी हो रही है वीडियो, मगर मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगी। शायद आप लोगों को अच्छी लगे मेरी वीडियो। ये मेरा भटूरा रेडी हो गया है और हमेशा बड़े केयरफुली आपको डालना है, बड़े तरीके से। देखिए जिस तरीके से अब मैं इसको छोड़ रही हूँ क्योंकि हाथ जलने का बहुत डर होता है। प्लीज़ बड़े ध्यान से डालें और ये हल्का हल्का मंदा मंदा, ये आपका तरीका होना चाहिए बनाने का। आपके भटूरे बहुत क्रिस्पी और बहुत ही अच्छे बनेंगे। तेल काफ़ी अच्छा गर्म होना चाहिए, झटपट आपके भटूरे रेडी हो जाएंगे। ये देखिए, ये मेरा भटूरा बिल्कुल रेडी हो गया है। इसलिए फूल के ये थोड़ा सा फूट गया है, फूटने के कारण फुस्सी हो गया है, पर भटूरा बहुत क्रिस्पी और बहुत टेस्टी बना है ये। आप लोग अपने घर में एक बार ज़रूर बनाइए इस रेसिपी को, देखिए। फ्रेंड्स, मैंने धनिया और हरी मिर्ची की चटनी का पेस्ट पूरा तैयार कर लिया है। नमक मैंने इसमें डाल दिया है और मैं इसे पीसने जा रही हूँ। ये हमारी हरी चटनी तैयार हो गई है और हमारा रायता भी तैयार हो गया है। अब मैं लगाने जा रही हूँ थाली। मेरे हिसाब से तो बहुत टेस्टी बने हैं। प्लीज़ आप इस रेसिपी को एक बार बनाइए और देखिए और कमेंट में बताइए आपको मेरी रेसिपी कैसे लगी। फाइनली हमारे छोले भटूरे तैयार हो गए हैं, आप देखिए। ये देखिए ग्रीन चटनी, छोले और ये हमारा रायता और ये हमारा भटूरा, बहुत क्रिस्पी है। ये देखिए, मैं आपको एक उंगली से तोड़ के दिखा सकती हूँ, बहुत क्रिस्पी है। और इसे खाने वाली है हमारी पियो। पियो, आप खाने वाले हो इसको? आपको खुशबू कैसी आ रही है? फ्रेंड्स, आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। बाय। आज की ज्योति की चटपटी रसोई में आज का आपका छोले भटूरे की रेसिपी है। आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ इसको आगे बढ़ाएं और सहयोग दें।